हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए लिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को जिनमें मैं बताया हूँ कि एग्जाम डेट कब से कब तक है, उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टेंटेटिव डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑन स्वयं प्रभा चैनल, यानी कि इस चैनल के माध्यम से आपका जो क्लास जो होगा ऑनलाइन लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा गया है कि डे वाइज लिस्ट ऑफ लेक्चर्स फॉर ब्रॉडकास्ट फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, यानी कि जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है उनका जो क्लास का लेक्चर है उनका जो ब्रॉडकास्ट तैयार कर दिया गया, यानी कि पूरे जो मतलब ब्रॉडकास्ट तैयार किया गया है जिनमें आपका थ्योरी बाई थ्योरी यानी टॉपिक बाई टॉपिक मतलब कि पूरा कवर कराया जाएगा, ठीक है, पूरे सिलेबस को। तो आप यहाँ से पूरे मतलब वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि जो आपका जो मतलब कि जो लेक्चर लेने का जो टाइम होगा 26/7/2020, यानी कि जो आज का मतलब आज का जो डेट है 6 बजे से 8 बजे तक लिया जाएगा शाम को, ठीक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो आज का लेक्चर लिया जाएगा उसके अगले दिन बाद यानी कि 27 तारीख को, यानी कि 27 तारीख को सुबह में मतलब कि देख सकते हैं दोपहर में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक लेक्चर लिया जाएगा उसी लेक्चर का, ठीक है। फिर यहाँ पर रिपीट किया जाएगा, फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर सुबह में 10 बजे लिया जाएगा, ठीक है, 10 से 12 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे रिपीट ट्रांसमिशन डेट एंड टाइम, फिर यहाँ पे रिपीट ट्रांसमिशन डेट एंड टाइम लिखा गया है, ठीक है। लेकिन मैं फ्रेंड्स बता दूं कि ये जो लेक्चर है कब से कब तक लिया जाएगा, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं 26/7/2020 से लेकर यहाँ पे लास्ट तक का डेट आप देख सकते हैं कि लास्ट का डेट क्या है कि 8/8/2020, यानी कि सीधे यानी कि 8वां महीना तक आपका लेक्चर लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें मैं फ्रेंड्स बता दूं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर का जो मतलब कि बच्चे होंगे जिनका सबका मतलब कि क्या होगा, लेक्चर लिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप कंफ्यूज मत होइए कि ठीक है मतलब कि मेरा लेक्चर होगा या नहीं, ठीक है। तो सबका लेक्चर यहाँ इसमें लिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फर्स्ट ट्रांसमिशन डेट एंड टाइम, यानी कि पहला जो ट्रांसमिशन डेट का जो होगा ट्रांसमिशन होगा 26 स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें एक दिन में 4 लेक्चर लिए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो तुम इसमें 1 2 3 4 सीक्वेंस नंबर देख सकते हैं, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2, यानी एक दिन में सीधे सीधे आपको यहाँ पर लिखा जा रहा है कितना कि 4 लेक्चर लिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देख पा रहे होंगे यानी कि 4 लेक्चर लिए जा रहे हैं, लेकिन जो टॉपिक होगा यानी कौन सा टॉपिक सब्जेक्ट देख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर एंड अप्लीकेशन, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर एंड अप्लीकेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा क्या है कि डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे रिकॉर्डेड भाई यानी जो प्रकाशन है यहाँ पे देख सकते हैं कि सन्नत कुमार पांडे का और जेएल पटेल का, ठीक है, इसका मतलब कि इनका जो मतलब कि बुक है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक हमारा जो आज का होगा वो कौन सा होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि इस माइक्रो प्रोसेसर का जो आज का लेक्चर होगा उसमें केवल इंट्रोडक्शन होगा, फिर यहाँ पे ट्रीज और लिस्ट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मतलब मैं पूरा तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ कि कौन सा मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हाइड्रोलिक है सेकेंड ईयर का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोलिक सेकेंड ईयर की बुक है, सेकेंडरी क्लास चलेगी, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट ईयर की क्लास है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो मतलब कि ये बुक है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का देख सकते हैं कि दोनों क्लास यहाँ से चलेगा ऑनलाइन, रेगुलर चलेगा, ठीक है। और देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी देख सकते हैं, फिर यहाँ पे देख सकते हैं सीएनसी मशीन, देखिए ये जो सीएनसी मशीन आप देख रहे हैं ये मैकेनिकल का थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैकेनिकल का जो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है ये पूरा चलाया जाएगा, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो डेट है यहाँ से आप देख सकते हैं यानी कि 30/7/2020 को चलाया जाएगा, ठीक है। और अगले दिन 2 बार यानी कि 31 तारीख को 2 बार रिपीट किया जाएगा, ठीक है। और 2 बार रिपीट करने के बाद इस देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि 2 बार दिन में रिपीट क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं ऑनलाइन कभी कभी नहीं जुट पाएंगे तो उनके लिए ये क्लास लिया जा रहा है ताकि उनका मतलब कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो सीएनसी मशीन है, सीएनसी मशीन का जो पहला लेक्चर होगा उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनसी होगा, फिर पार्ट प्रोग्रामिंग बताया जाएगा, ठीक है। जो अगला लेक्चर होगा सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग बताया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड और इट्स कैरेक्टरिस्टिक के बारे में यानी कि इसके मतलब कि बारे में बताया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, इतना। चलिए और देखिए फ्रेंड्स आगे क्या बताया जा रहा है, चलिए आगे मैं और सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँ।
जानकारी देना सबके बारे में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी सबके बारे में दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी कि फर्स्ट ईयर की क्लास है, ठीक है, आपको मतलब ये हम लिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग, यानी कि देख सकते हैं हाईवे इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि जो सिविल का कोई मतलब कि किसी ईयर का यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या कोई सब्जेक्ट है जो कि लिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ईटी यानी कि ईटी जो है मैकेनिकल की सेकेंड ईयर की बुक है, ठीक है, ईटी, तो इसको ईटी का भी मतलब कि लेक्चर लिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर, ये देख सकते हैं, ये जो ये भी है क्या है मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक की सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पूरा पूरा यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पूरा पूरा लेक्चर आपका लिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप टॉपिक के बारे में देख सकते हैं कि टॉपिक मतलब कि कौन कौन सा होगा। फिर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स जो हमारा क्या है फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट में देखिए इसका सिंपल मशीन के बारे में बताया जाएगा, दो लेक्चर लिए जाएंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में इसके लिए जाएंगे, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में लिया जाएगा, ठीक है, जो कि फिजिक्स सेकेंड का है, ठीक है, जो कि सेकेंड ईयर में आपका लगता है, ठीक है। चलिए इतना इतना बताया गया। फिर देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका लास्ट लेक्चर होगा 8/8/2020 को मतलब कि शाम को 2 बजे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इतना आपका पढ़ाई होगा। चलिए और कुछ इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो मैं बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक और बात बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइस, ये तो इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट है जो कि जो पहला लेक्चर लिया जाएगा एनालिसिस ऑफ यहाँ पे सिंगल स्टेज CS CG एंड CD एम्पलीफायर्स के बारे में लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो लेक्चर होगा आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे याद कर सकते हैं 1/8/2020 से स्टार्ट होगा और दिन में अगले दिन यानी कि 2 तारीख को दिन में यानी कि दिन का मतलब कि दोपहर में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक इसी लेक्चर का रिपीट होगा, जो बच्चे छूट जाएंगे आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि पूरी विधिवत क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।